हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैफ अली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ फिश का नाम और वो फिश हम होटल इंडस्ट्री में किचन के अंदर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये आज का टॉपिक जो फिश होता है, अलग अलग फिश अलग अलग जगह में पाया जाता है। जैसे कोई फिश सी में पाया जाता है, कोई ओशन में, कोई रिवर्स में, कोई लेक में, कोई पॉन्ड में मिलता है, राइट। और इन फिश का सारे अलग अलग टेस्ट भी होता है और इनको डिफरेंट वे में हम कुक करते हैं, राइट। जैसे आपका ग्रिलिंग हो गया, पैन ग्रिल, फ्राई, सैलो फ्राई, डीप फ्राई, पोचिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, अलग अलग वे में इनको कुक करते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ा के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। सलमन फिश, ये ज़्यादातर होटलों में बोनलेस ही आते हैं मार्केट से। ये दो तरीके का मार्केट से सलमन आता है, एक रॉ और एक स्मोक स्लाइस सलमन आते हैं। जो रॉ होता है उसका इस्तेमाल उसको फिले कट के वो ग्रिल सलमन एंड सैलड में यूज किया जाता है, और जो स्लाइस सलमन आते हैं मार्केट से ऑलरेडी कुक स्मोक सलमन, उसका इस्तेमाल ज़्यादातर सैंडविच एंड जो एग बेनेडिक्ट होता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, उस एग बेनेडिक्ट में यूज किया जाता है। आपको समझाने के लिए कुछ मेरा किचन का पिक्चर लगाया, आप अच्छा तरीके से समझ सकते हो। वेट की फीस, ये ज़्यादातर बोनलेस ही मार्केट से फ्रोजन आता है। इसका यूज कॉन्टिनेंटल क्विजन में, ग्रिल फिश में किया जाता है, तंदूर में किया जाता है फिश टिक्का, एंड इंडियन कड़ी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाइनीज का कई कई जगह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लॉबस्टर, इसका इस्तेमाल कॉन्टिनेंटल क्विजन में, ग्रिलिंग में ज़्यादातर किया जाता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव फिश होता है। बासा फिश, किचन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फिश होता है बासा फिश। ये फ्रोजन बोनलेस आता है मार्केट से। इसका इस्तेमाल कॉन्टिनेंटल सेक्शन में ग्रिल फिश में किया जाता है, मिक्स सी फूड पास्ता में, सूप में किया जाता है, चाइनीज में किया जाता है, तंदूर में एंड इंडियन में कड़ी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसल, ये एक सेल फिश होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होटलों में किया जाता है कॉन्टिनेंटल क्विजन में, जहाँ पर मिक्स सी फूड पास्ता होता है एंड सूप होता है, सी फूड सूप, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्विड फिश, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल क्विजन में किया जाता है होटल के अंदर, जैसे मिक्स सी फूड पास्ता हो गया वहाँ किया जाता है, सी फूड सूप में किया जाता है, इससे कई सारे स्टार्टर भी बनाया जाता है। टूना फिश, ये बहुत ही अच्छा फिश होता है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, ये बॉडी बिल्डर के लिए बहुत अच्छा फिश होता है। इसका इस्तेमाल कॉन्टिनेंटल क्विजन में, ग्रिल फिश में किया जाता है, सैलड में, सूप में, सैंडविच में किया जाता है। प्रॉन्स, प्रॉन्स अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग जगह में यूज किया जाता है होटल के अंदर। जैसे बड़ा वाला प्रॉन्स, उसको हम कहते हैं टाइगर प्रॉन्स, उसका इस्तेमाल कॉन्टिनेंटल क्विजन में ग्रिल में किया जाता है एंड तंदूर में किया जाता है, तंदूरी प्रॉन्स में। और जो छोटा वाला साइज का प्रॉन्स होता है उसको हम कहते हैं जम्मू प्रॉन्स। जम्मू प्रॉन्स का इस्तेमाल हम इंडियन सेक्शन में करते हैं, चाइनीज में करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्विजन में पिज्ज़ा, सूप, इसमें छोटा वाला प्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाम्स, क्लाम्स एक विथ सेल फिश होता है। इसका इस्तेमाल कॉन्टिनेंटल क्विजन में ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पे मिक्स सी फूड का आइटम होता है, जैसे पास्ता हो गया, सूप हो गया, वहाँ पर किया जाता है इसका इस्तेमाल। हिल्सा फिश, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फिश होता है, सबसे ज़्यादा बंगाल में पाया जाता है फिश। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बोन होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है इंडियन करी में एंड सैलो फ्राई में। क्रैब्स, क्रैब्स का इस्तेमाल ज़्यादातर होटल के अंदर किया जाता है कॉन्टिनेंटल क्विजन में, जैसे ग्रिल क्रैब्स हो गया, और कई कई सूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्लब फिश, ये एक सेल फिश होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव फिश होता है एंड बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी से टूट जाता है, इसको बहुत अच्छा से केयरिंग करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल किचन में ज़्यादातर ग्रिल में किया जाता है, ग्रिल स्क्लब में, एंड जहाँ पे मिक्स सी फूड का आइटम होता है, जैसे पास्ता, सूप हो गया, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।